शपथ लेने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने अपने कई वादों को पूरा करते हुए अफसरों को अल्टीमेटम दिया है। साथ ही उन्होंने चिंता और बेचैनी जताई। उन्होंने कहा कि हमें चिंता और बेचैनी है कि हम मध्य प्रदेश के लोगों की आशाओं पर किस तरह से खरा उतरेंगे। देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपनी तूफानी शुरुआत कर दी है। उन्होंने अपने चुनावी वादों पे अमल करना शुरू कर दिया है। कुर्सी पर बैठते ही सबसे पहले कमलनाथ ने किसानों की कर्ज माफी की फाइल पर दस्तखत किए। इसके तहत किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ होगा। इससे 40 लाख किसानों को फायदा होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हमने किसानों का कर्ज माफ कर दिया। कन्या विवाह योजना की सहयोग राशि बढ़ा दी है। इसे 28,000 से बढ़ाकर 51,000 कर दिया गया है। हम 4 गारमेंट पार्क भी बनाएंगे। जनता को स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार कैसे दे पाएंगे, इस पर तेजी से काम करना है। पद संभालने के बाद ऑफिस में आकर पहली फाइल जो साइन करी है, जो हमने अपने प्रदेश के किसानों को आश्वासन दिया था कि 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ, ये मैंने पहली फाइल साइन करी है। साथ साथ 2-3 और फैसले मैंने करे कि जो भी हमारी स्कीम्स हैं निवेश की, जो हम इंसेंटिव देते हैं, ये तभी लागू होंगे जब 70% लोग रोज़गार लोकल हो, मध्य प्रदेश से हो। कि बहुत सारे ऐसे उद्योग लग जाते हैं जहाँ अन्य प्रदेशों से लोग आ जाते हैं, बिहार उत्तर प्रदेश से। मैं उनकी आलोचना नहीं करना चाहता, और हमारे मध्य प्रदेश के नौजवान रोज़गार से वंचित रहते हैं, तो उनको तभी उन इंसेंटिव्स का लाभ मिलेगा अगर 70% रोज़गार मध्य प्रदेश का लोकल हो। मैंने कहा कि हम 4 गारमेंट पार्क को इस्टेब्लिश करेंगे। 4 गारमेंट पार्क हम मध्य प्रदेश में खोलेंगे। इस गारमेंट पार्क में केवल रोज़गार ही नहीं, पर जो संबंधित रोज़गार होता है, कोई उस काम से संबंधित काम कर लेगा, कोई ट्रक चला लेगा, कोई पैकिंग का काम कर लेगा, कोई दूसरा काम कर लेगा। हमें याद रखना है कि जब भी उद्योग खुलते हैं, कोई भी नया उद्योग खुलता है, उसमें जिनको रोज़गार मिल गया वो तो अपनी जगह है, पर उसके साथ जो संबंधित रोज़गार होता है, व्यवसाय के मौके बनते हैं। कोई कोई होटल चला लेता है, ये संबंधित, कोई अपनी गाड़ी किराए पर दे देता है, कोई पैकिंग का काम कर लेता है, ये संबंधित विकास से हमारी आर्थिक गतिविधि बनती है। और आज मध्य प्रदेश को आवश्यकता है कि हम आर्थिक गतिविधि, इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसको कहते हैं, ये GDP अपनी तरफ है। GDP का ट्रांसलेशन क्या है इसमें मैं नहीं जाना चाहता, पर कि आर्थिक गतिविधि बने, लोगों को व्यवसाय का, रोजगार का, खुद काम करने का, खुद कुछ काम खोलने का मौका मिले। कमलनाथ ने कहा, CM बनने की खुशी तो है, लेकिन उससे ज्यादा बेचैनी और चिंता है। कमलनाथ ने तंज भी कसा और कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि BJP ने स्वीकार कर लिया है कि उन्होंने खजाना खाली करके दिया है। कैबिनेट विस्तार के सवाल पर कमलनाथ ने कहा कि अभी कैबिनेट हम ही हैं। आप कह रहे थे कैबिनेट का, आज के दिन मैं ही कैबिनेट हूँ, कोई और मंत्रिमंडल तो है नहीं। तो ये दूसरा काम था। तीसरा काम था कि जहाँ हमने कहा था कि विवाह के लिए हम 51,000 रुपये देंगे, ये हमने इसको लागू किया। कन्यादान। कुल मिलाकर CM की कुर्सी संभालते ही कमलनाथ पूरे एक्शन में हैं और अपने किए हुए वचन को पूरा करने में जुट गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, भोपाल।